एंड न्यू बींग्स मॉम, कैसी हैं आप सब? होप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं, खुद का और बच्चे का भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं और पूरे दिन खुश रहते होंगे। तो भाई हम बींग्स मॉम को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, हम यही हमेशा सोचते रहते हैं मेरा बच्चा ठीक तो, क्योंकि अंदर पेट में हमें कुछ भी नहीं पता चलता है, हमें कुछ दिखता नहीं, जो सामने है उसको तो हम पता लगा लेते हैं कि यार मेरा बेटा अभी दुबला है, हो रहा है या फिर मोटा हो रहा है, इसका हेल्थ कैसा चल रहा है। बट जैसे ही हम लोग प्रेगनेंट होते हैं बट हमें नहीं पता चल पाता कि यार मेरा बच्चा कैसा है, उसका हार्ट रेट सही है, हमारी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, एवरीथिंग इज ओके। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब पूरा सोचते सोचते पूरा दिन बीत जाता है, कैसे रहें, क्या खाएं, ये खाएं, वो खाएं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पेट में आपका बच्चा कैसा है, ये आप आराम से पता लगा सकते हैं घर बैठे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलो चैनल पर नए हैं तो फटाफट से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे क्या देख रहे हो, है ना, और सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आपको बताने वाले कुछ ऐसे 5-6 लेक्चर जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जो गर्भ में बेबी है वो बिल्कुल अच्छा और सेहत और सेहती और हेल्दी है। तो चलो भैया, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, अगर उसकी धड़कन यानी कि जो उसकी हार्ट रेट होती है वो 6 to 10 वीक से पता अगर आपको चलने लग जाता है, मतलब जैसे ऐसे 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 करके, मतलब जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हमें नहीं पता चलता, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में मोस्टली हम काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हो चुके होते हैं, है ना, तो ज़रूर हमें पता। तो ऐसे ऐसे करके ना उसकी धड़कन चलती है। अगर आपके बच्चे का धड़कन 6 to 10 वीक में स्टार्ट हो गया है तो आप ये समझ लो कि आपका बच्चा भला चंगा है। अगर आप अगर सोनोग्राफी कराने गए और उसमें बच्चे का जो हार्ट रेट आता है, जो कभी किसी का 120, 125, 160, 165 कुछ भी आता है, तो अगर 130 से लेकर के 160, 180 तक अगर आपका सोनोग्राफी में बेबी का हार्ट रेट आ रहा है तो भी आपका बच्चा बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, स्वस्थ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर आपको शुगर, बीपी, थायराइड, इन सब ये सब चीज़ें आपकी सारी की सारी नॉर्मल हैं तो भी भैया आप हो जाओ साधारण, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ कि आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल गर्भ में सुरक्षित है। चौथी बात ये है कि आपका जो वजन है, मतलब होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या फिर ये वो, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपका 10 से 12 किलो वजन बढ़ा है तो भी आपका बच्चा अच्छे से एकदम बिल्कुल है आपके गर्भ में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाँचवीं बात ये है कि अगर आपका जो पेटू है यानी जो आपका ये है पेट है वो आपका अगर 5वें महीने से दिखना शुरू कर दे, है ना, अगर 5वें महीने दिखना शुरू कर दे, किसी किसी का तो जैसे मैं मोटी हूँ तो मेरा कुछ वही नहीं, लेकिन पतले दुबले लोग जो रहते हैं तो उनका पेट दिखने लग जाता है, तो मेरा तो पूरा कवर हो जाता है। तो अगर आपका 5वें महीने से पेट दिखने लग जाए, लोग बोले यार आप प्रेग्नेंट हो क्या, तो भैया आप खुश हो जाओ कि हाँ मेरा बेबी बम्प भी दिख रहा है और इट मीन्स मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मेरा बच्चा भी बहुत ही हेल्दी एंड स्वस्थ है। तो ये सब जो सारे सिम्टम्स होते हैं ना, अच्छा हाँ, अगर आपके बच्चे की धड़कन यानी कि जैसे जब भी हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं हमें नहीं समझ में आता कि यार क्या मोमेंट होता है, क्या हलचल होता है, बच्चे का कैसे होता है, कुछ भी चीज़ हमें नहीं पता होती। लेकिन जब ऐसे ना आपको जैसे हमेशा ना इस एरिया में आता है आपका, हमेशा इस एरिया के नीचे ये कुछ जैसे मेढक ऐसे 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 कर रहा होता है ना, तो वो अगर आपका धड़कन देखिए, किसी किसी का 4वें महीने में पता चलता है, किसी किसी का 5वें महीने में पता चलता है, किसी किसी का 6ठे महीने में पता चलता है ना, तो अगर आपके बच्चे की मूवमेंट अच्छी है तो भी आप समझ जाओ कि आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको खुश रहने की जरूरत है ताकि आपका बच्चा भी खुशी खुशी दुनिया में आ जाए स्वस्थ और अच्छे से। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और मिलते हैं कुछ अच्छे और नेक्स्ट वीडियो कुछ आप लोग के लिए अच्छी जानकारी के साथ। तो मिलते हैं, तब तक टाटा बाय, लव यू ऑल। सभी प्रेग्नेंट माँ अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का भी ध्यान रखें।